एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जो हम सबकी जिंदगी के बहुत ही करीब है। जी हाँ, आज मैं आपसे आपके मोबाइल के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि मोबाइल हम सभी की जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। आजकल हम अपने जीवन साथी के बिना रह सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के बिना रह सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल 5 मिनट भी अगर हमसे दूर हो जाए तो हम सब बेचैन हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप अपने मोबाइल से अपनी जिंदगी को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। तो वो क्या है ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपके मोबाइल में अगर आप छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल के वॉलपेपर से। आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल का वॉलपेपर कैसा होना चाहिए? कई लोग अपने मोबाइल के वॉलपेपर में अपने वाइफ की फोटो लगाते हैं, अपने हस्बैंड की फोटो लगाते हैं, अपने बच्चों की फोटो लगाते हैं, जबकि मोबाइल पे आपको अपने लव्ड वंस की फोटोग्राफ नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मोबाइल बार बार बजता है, लाइट आती है स्क्रीन में, वो फोटो फ्लैश होती है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग, हमें नहीं पता हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी नज़र कैसी है, वो किस नज़र से किस एंगल से हमें देख रहे हैं, या हमारे बच्चों को देख रहे हैं, हमारे स्पाउस को देख रहे हैं। तो बार बार अपने लव्ड वन की फोटोग्राफ अगर फ्लैश होती है आपके मोबाइल पे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अवॉइड कीजिए कि अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की फोटोग्राफ मोबाइल की स्क्रीन पर ना लगाएं। आपको वॉलपेपर लगाना है तो आपको ऐसा मोटिवेशनल वॉलपेपर लगाइए जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके गोल्स के बारे में रिमाइंड करता रहे कि जो आपको लाइफ में अचीव करना है, ताकि जब भी आप अपने मोबाइल की तरफ देखें तो आप मोटिवेट हो और आपको रिमाइंडर की तरह वो दिखे कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी जिंदगी में। इससे आपका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज होगा। साथ ही वॉलपेपर में पहाड़ या बहता हुआ पानी ये सब ना लगाएं, क्योंकि क्या होता है, पहाड़ जो होता है हमारी लाइफ में चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़ का अगर आप लगाएंगे तो आपके ऐसे लगेगा कि सिर पे बहुत बोझ रखा हुआ है। साथ ही अगर आप पानी या बहते पानी या झरने का लगाएंगे तो वो इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा कर देता है। इसलिए वॉलपेपर का चुनाव बहुत ही सोच समझ करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको बात करूंगी हमारे मोबाइल के लॉक कोड की। हम अपने मोबाइल का लॉक कोड कैसे देते हैं? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1974, आपको उन सब नंबर का टोटल करना है और एक सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। ये जो सिंगल डिजिट होता है ये आपका डेस्टिनी नंबर होता है और आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और ये डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ में बहुत अहमियत भी रखता है। आप जब भी अपने मोबाइल का लॉक कोड कोई भी लगाएं तो मेक श्योर कि उसका टोटल आपका डेस्टिनी नंबर होना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिलता रहे। प्रोग्रेसिव नंबर हो या फिर डेस्टिनी नंबर हो तो आपका पिन कोड आपकी भाग्य में और ज्यादा उन्नति कर सकता है। तीसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि हम लॉक में कई बार पैटर्न्स लगाते हैं। अब वो पैटर्न्स कैसे होते हैं? कई बार हम ऐसे नीचे नीचे वाला पैटर्न लगा लेते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न लगा लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसा पैटर्न चूज करना है जो ऊपर की तरफ जाए, राइजिंग जाए, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो आप अपना पैटर्न वी की शेप में लगा सकते हैं या यू की शेप में लगा सकते हैं, जैसे विष्णु जी का तिलक होता है। अगर ऐसे राइजिंग पैटर्न आप लगाएंगे तो लाइफ में कॉन्स्टेंटली आप राइज ही करेंगे, क्योंकि हम अपने मोबाइल का पैटर्न दिन में कम से कम 50 बार तो खुलते ही है। तो 50 बार अगर हम कॉन्स्टेंटली राइज करेंगे या वी फॉर विक्ट्री बनाएंगे तो डेफिनेटली उसकी एनर्जीज हमारे अंदर हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होंगी। अब बात करते हैं रिंगटोन की, कि हमारे मोबाइल की रिंगटोन कैसी होनी चाहिए। कई बार हम बहुत सैड या फिर ग्लूमी सी रिंगटोन लगा देते हैं, जो मतलब जो भी फोन करे उसे पता है कि हम लोग बहुत उदास हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, रिंगटोन यदि कोई आपकी सुनता है, आप बार बार उस नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, ज्यादा वाइब्रेशंस दे रहे हैं अपनी नेगेटिव या सैड रिंगटोन से, उसका सैड की इंटेंसिटी आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। आपको रिंगटोन लगानी है तो कुछ वाइब्रेशनल या फिर कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ पेपी रिंगटोन लगाइए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, क्योंकि 50 बार अगर आपकी रिंगटोन बजेगी तो वो एक मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस करे आपकी लाइफ में। इसलिए रिंगटोन का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। आखिरी पॉइंट, कि सारा दिन तो हम मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या हम 10 मिनट अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड पर रख सकते हैं? हमारे लिए मुश्किल बहुत है, लेकिन हमें ये जरूर करना चाहिए। दिन में 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, उसको साइड पे रखिए और ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं। अपने आप को 10 मिनट के लिए मोबाइल से दूर करके, आंख बंद करके, किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हैं, या कोई भी ऐसा थॉट जो आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है, आपकी ग्रोथ के लिए अहमियत रखता है, उसके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि वो काम आपका हो चुका है और आप उस काम के लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। ये छोटा सा एक रेमेडी आप अपने लाइफ में चेंज करके देखिए, रेमेडी करके देखिए और देखिए मोबाइल से आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।
थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।